नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मौलिक क्लासेस में। मैं सुप्रभात जोशी आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो बूटस्ट्रैप में, जो कि वेब प्रोजेक्ट प्लेलिस्ट के अंतर्गत आता है। तो आज हम इस बूटस्ट्रैप के बारे में डिस्कस करेंगे कि बूटस्ट्रैप क्या होता है, कैसे हम बूटस्ट्रैप की सहायता से बहुत कम समय में बहुत ही अट्रैक्टिव डायनेमिक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का फ्रंट एंड तैयार कर सकते हैं। ये सारा का सारा आप इस वीडियो में और आने वाले कुछ वीडियोज़ में सीखेंगे। तो आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल मौलिक क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप स्क्रीन में देखिए प्लीज़। अगर आप लैपटॉप यूज़र हैं तो लैपटॉप से अगर यूज़ करते हैं तो लैपटॉप से भी आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसा कि स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, जिससे कि सारे के सारे वीडियोस आप हमारे बनाए हुए आपके पास पहुंचते रहें। और अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़र हैं तो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, तो आप मोबाइल से भी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो डैट आपके पास ये सारे के सारे अच्छे वीडियोज़ पहुँचते रहें और हम नए वीडियोज़ बनाने के लिए प्रेरित होते रहें। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए कैसे आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल में क्या करना है, बूटस्ट्रैप टाइप करना है। बूटस्ट्रैप टाइप करेंगे आप तो आप बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएंगे। क्लियर, ये ऑफिशियल वेबसाइट बूटस्ट्रैप की है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से ही आपको बूटस्ट्रैप को यूज़ करना है। कैसे करेंगे ये सारा का सारा कुछ मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि बूटस्ट्रैप है क्या। देखिए बूटस्ट्रैप क्या है, अगर सिंपल शब्दों में समझें तो बूटस्ट्रैप एक बना बनाया क्या है, फ्रेमवर्क आपको दिया गया है, जिसमें आपको सीएसएस फाइल्स और जावास्क्रिप्ट के प्लगइन्स आपको बने बनाए दे रखे हैं, जिनको आप डायरेक्टली अपने वेब पेज में ऐड कर लेंगे और बहुत कम समय में आपका वेब पेज का एक डायनेमिक कंटेंट एक तैयार हो जाएगा, बहुत अट्रैक्टिव बन जाएगा और उसमें बहुत सारे फीचर्स ऐड हो जाएंगे बहुत कम समय में, जो कि आपको बहुत ज़्यादा कोड पहले लिखना पड़ता था, बहुत टाइम वेस्ट होता था उसमें, तो वो बहुत कम समय में आपका हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे एक वर्ड और आ रहा है, क्या है, रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव वर्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि मेन पर्पज बूटस्ट्रैप का क्या है कि रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना है। तो रिस्पॉन्सिव क्या मतलब कि अगर आप अलग अलग डिवाइसेज यूज़ कर रहे हैं, सपोज आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, तो आपका जो वेब पेज है या वेब एप्लीकेशन है या वेबसाइट है वो डिवाइस टू डिवाइस ऑटोमेटिकली क्या होगी, स्क्रीन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, मतलब ऑटो कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो ये फीचर क्या है आपका बूटस्ट्रैप के अंतर्गत आपको मिलेगा। मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे कि हमने ये वेबसाइट बनाई है, लोकल होस्ट में रन हो रही है वेबसाइट, ये वेबसाइट पूरी की पूरी बूटस्ट्रैप में बनी हुई है। इसमें हेडर, मेन्यू, स्लाइडर और कंटेंट सेक्शन, फूटर, सब कुछ क्या है बूटस्ट्रैप से बना हुआ है। अब देखिए मैं इसको बताने जा रहा था कि रिस्पॉन्सिव फीचर, जैसे मैंने इसको मिनिमाइज किया, जैसे ही मैंने इसको मिनिमाइज किया तो यहाँ देखेंगे आप ये कि पूरा का पूरा कंटेंट क्या हो रहा है इस एरिया में भी, क्या है, पूरा फुली विजिबल हो रहा है। मतलब इसने इस वेब एप्लीकेशन ने अपने को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लिया डिवाइस के अकॉर्डिंग। तो ये एक फीचर है रिस्पॉन्सिवनेस। देखिए फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, जैसे मैंने अबाउट अस पे क्लिक किया तो देखिए सारा का सारा डेटा ऑटोमेटिकली क्या है एडजस्टेबल है इस पूरी स्क्रीन में, और अगर मैं इसको लार्ज स्केल में चलाता हूँ तो वहाँ पे मेरे को कंटेंट दिखाई देगा। तो ये रिस्पॉन्सिव फीचर बूटस्ट्रैप की हेल्प से आपको मिल जाता है। क्लियर, तो अब ये आपको समझ में आ चुका है कि बूटस्ट्रैप है क्या। सी एस एस प्लस जावास्क्रिप्ट प्लगइन इक्वस टू आपका बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क। ओके क्लियर, तो ये समझ में आ गया। अब हम आगे देखेंगे कि हम बूटस्ट्रैप को कैसे यूज करेंगे। क्लियर, तो आप यहाँ पे आपको होम सेक्शन दिख रहा है, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन दिख रहा है, एग्जांपल बहुत सारी चीज दिख रही है, आपको स्टार्ट डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में जाना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में आप देखेंगे कि कैसे आप बूटस्ट्रैप को आप अपने वेब प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं, हम सीखने जा रहे हैं, देखते रहिए, बहुत अच्छा सा आपको समझ में आएगा और इसको आप बहुत आसानी से यूज भी कर पाएंगे आगे। ठीक है, तो पहला तरीका क्या है, बूटस्ट्रैप सीडीएन। सीडीएन, बूटस्ट्रैप सीडीएन क्या है कि आप इसका कैच वर्जन आप यूज कर लेंगे, डायरेक्टली अपने वेब एप्लीकेशन में या वेब प्रोजेक्ट में इसको ऐड करेंगे। पहला तरीका हम अभी सीखने जा रहे हैं, लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये आपको जो सी एस एस यहाँ पे दिख रहा हुआ है, लिखा हुआ सी एस एस फाइल को कॉपी पेस्ट द स्टाइल सीट लिंक इन टू योर हेड बिफोर ऑल द अदर स्टाइल सीट्स टू लोड योर अवर सी एस एस। तो इसको आपको क्या है, इस लिंक को आपको कॉपी करना है सी एस एस फाइल को ऐड करने के लिए, और आप यहाँ पे एक नया हम वेब प्रोजेक्ट बनाते हैं। पहले फाइल पे जाते हैं, फाइल में गए हम, न्यू प्रोजेक्ट पे गए, न्यू प्रोजेक्ट पे जाके हम एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, वेब एप्लीकेशन, जावा वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, जावा वेब के अंदर जावा वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट किया, देन नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया। यहाँ सपोज मैं मौलिक नाम से
नाम से बनाना चाह रहा हूँ, मैंने मौलिक नाम क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो ये सर्वर कॉन्फ़िगर करने के लिए बोल रहा है। तो ऑलरेडी अगर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, हमने जो पहला वीडियो इसमें लॉन्च किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप नेटबीन आईडी के थ्रू वेब प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में सेंड कर दूंगा, तो आप वहाँ से इसको ज़रूर देखिए, तो आपको समझ में आएगा कि नेटबीन आईडी में कैसे स्टार्ट करते हैं। दूसरा काम हमने जो किया था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जो आपका वेब सर्वर जो कि डायनेमिक सर्वर बेस्ड वेबसाइट जो हम बना रहे हैं उसके लिए वेब सर्वर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कैसे हम वेब सर्वर को नेट से डाउनलोड करेंगे, उसको कैसे नेटबीन आईडी से ऐड और कॉन्फ़िगर करेंगे, वो उस वीडियो में मैंने पूरा आपको बताया था। तो आप उस वीडियो को देख के भी सीख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में सेंड कर दूंगा, तो आप उन दोनों वीडियो को जरूर देखिए, तो उससे आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। तो नेक्स्ट, ये सर्वर ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर है, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं हम। यहाँ से ये कुछ फ्रेमवर्क वर्क ऐड करने को बोल रहा है, तो अभी हमें इनको कोई करने की ज़रूरत नहीं है, हम इनको आगे बाद में लेटर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। देन मैंने फिनिश पे क्लिक कर दिया, क्लियर। तो अब आपके सामने जब आपको फिनिश कर देते हैं तो आपके पास प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स के अंदर आपका मौलिक नाम से जो वेब एप्लीकेशन है आपका बन के आ गया, ये दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन में। ये स्क्रीन में आपको मौलिक नाम से दिखाई दे रहा है, क्लियर। अब आपको क्या करना है, इसमें बाय डिफॉल्ट इसके अंदर जो डिफॉल्ट फाइल है index.html एक फाइल आपको दिखाई दे रही है, index.html एक फाइल आपको दिखाई दे रही है। इस फाइल को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, देखते हैं कैसे हम इसमें बूटस्ट्रैप को ऐड करेंगे इस HTML फाइल के अंदर। या एक काम करते हैं, हम इसको डिलीट करके हम नया एक JSP पेज बनाते हैं, क्योंकि हम सर्वर बेस्ड टेक्नोलॉजी में काम करेंगे तो हम इसी पे काम करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आपने इस फाइल को डिलीट कर दिया, इसको डिलीट करके मैं एक नया JSP पेज बनाऊँगा। देखिए कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है। देखिए मैं स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ, अगर आपने पहला वीडियो नहीं भी देखा है तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। ये मैंने वेब में राइट किया, वेब ऑप्शन के ऊपर राइट किया, देन न्यू JSP ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, मैंने JSP पे क्लिक किया। तो मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ, यहाँ पे सपोज मैंने इसका नाम फर्स्ट नाम से दे दिया, देन मैंने फिनिश पे क्लिक कर दिया, तो ये मेरा JSP पेज आ गया। इसमें HTML कोड आपको दिखाई दे रहा है, डॉक टाइप HTML, HTML 5 का इसमें यूज़ होगा, क्लियर। तो अब देखते हैं कि कैसे मैं इसमें बूटस्ट्रैप को ऐड करूँगा, ठीक है। बूटस्ट्रैप को कैसे मैं ऐड करूँगा, यहाँ यूजिंग CDN का यूज़ करके। तो पहला काम क्या कहा था मैंने, जो CSS फाइल है उसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप अपने वेब प्रोजेक्ट में आ जाइए और यहाँ पे हेड सेक्शन में पेस्ट कर देना है आपको, कंट्रोल वी करके आपने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, क्लियर हो गया। तो आपकी ये CSS फाइल ऐड हो गई। दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम यहाँ पे बताया है JS फाइल की। बहुत सारे JavaScript के प्लगइन्स आपको यूज अगर आप करने जा रहे हैं, या आपको अच्छे फीचर एट्रेक्टिव फीचर चाहिए, तो उसके लिए आपको JavaScript की तीन फाइलें, ये तीनों फाइलें यहाँ पे दिया हुआ है, इन तीनों फाइल को आपको कॉपी करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी करना है इनको, और इसको क्या करना है, राइट बिफोर योर क्लोजिंग बॉडी टैग। देखिए इसको जस्ट बॉडी टैग क्लोज होने से पहले इन तीनों को पेस्ट कर देना है। तो इसको हम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, हेड बॉडी टैग हमारा यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो इसके जस्ट बिफोर मैंने यहाँ पे इसको कंट्रोल वी कर दिया। तो देखिए ये तीनों फाइल JavaScript की कौन कौन सी, पहली फाइल jQuery, क्लियर, jQuery, देन प्रॉपर js, देन bootstrap.main.js। इनका सिक्वेंस यही रहेगा, पहले jQuery फाइल रहेगी, देन प्रॉपर js, proper.js, देन थर्ड bootstrap.main.js। तो हमने यहाँ पे क्या है, इसको हमने ऐड कर लिया है, bootstrap हमारे अब HTML पेज के साथ ऐड हो चुका है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप मिस मत करिएगा, वरना वो आपका फीचर जो रिस्पॉन्सिव हम फीचर कह रहे हैं वो ऐड नहीं पाएगा। उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे आइए, स्टार्टर टेम्पलेट करके ये दिखा रहा है, स्टार्टर टेम्पलेट यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है। स्टार्टर टेम्पलेट में देखिए डॉक टाइप HTML हमने पहले से वही हमको मिला हुआ है, वो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि HTML 5 को ही सपोर्ट करता है, HTML 5 लेटेस्ट यूज़ होती है। यहाँ पे देखिए मेन चीज़ क्या है, आपने ये मेटा नेम इक्वल टू व्यूपोर्ट इस वाले चीज़ को जो ये है, इसको आपको कॉपी करना है। ये यहाँ पे भी दिखा रहा है रिस्पॉन्सिव मेटा टैग, ठीक है, रिस्पॉन्सिव मेटा टैग। तो आपने क्या करना है, इसको क्या करना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है, ये कॉपी करना है, और इसको आपने अपने वेब प्रोजेक्ट में मेटा टैग जो यूज़ किया है इसके बाद आपने
इसको पेस्ट कर दिया। तो इसका मतलब क्या है, मेटा नेम इक्वल टू व्यू कोड और कंटेंट इक्वल टू कंटेंट विथ इक्वल टू डिवाइस विथ, मतलब इसमें जो इसकी विथ क्या होगी अपना ऑटोमेटिकली जिस डिवाइस को हम यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को सेट कर लेगा। क्लियर, इतना समझ में आया आपको। अब देखते हैं कि हमने बूटस्ट्रैप को हमने कर लिया इसमें ऐड, कैसे करा। सबसे पहले मैंने सीएसएस फाइल को हेड सेक्शन में कर दिया, ठीक है। दूसरा काम क्या करा, मैंने तीन जावास्क्रिप्ट की तीन फाइलें जेक्वेरी, प्रॉपर जेएस, देन बूटस्ट्रैप जेएस, इनको क्या करा जस्ट बिफोर बॉडी सेक्शन के पेस्ट कर लिया। और इसके बाद मैंने एक मेटा टैग यूज़ किया व्यू पोर्ट के लिए, जो कि ऑटोमेटिकली इसको रिस्पॉन्सिव नेचर देगा। ये काम मैंने पूरा कर चुका हूँ। अब देखें देखते हैं कि क्या बूटस्ट्रैप इसमें वर्क कर रहा है। देखिए मैं इसको सिंपल अगर इसको सेव करता हूँ अभी, तो मैंने इस पेज को रन किया, ये बाय डिफॉल्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर यहाँ से सेलेक्ट है, तो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर पे इसको रन करेगा। तो हम हाँ वहाँ से ब्राउज़र को भी चेंज कर सकते हैं, मैं बताऊँगा कैसे आप ब्राउज़र को चेंज कर सकते हैं। तो ये सर्वर पे कॉन्फ़िगर हो रहा है, सर्वर से कॉन्फ़िगर होके पेज आपको मिलेगा लोकल होस्ट पे। देखते हैं कैसे इसका आउटपुट प्रोड्यूस होता है। यहाँ से आप ब्राउजर को चेंज कर सकते हैं, मैं बताया कि आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या है, ये जो ब्राउजर है आईडी डिफॉल्ट ब्राउजर सेट है, तो आप चाहें तो दूसरा ब्राउजर सेट करना चाहें तो आप यहाँ से फायरफॉक्स, सपोज मैं फायरफॉक्स में रन करना चाहता हूँ, मैंने फायरफॉक्स सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, तो आप यहाँ से ब्राउजर जिस ब्राउजर पर आउटपुट चाहते हैं वो ब्राउजर यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या आउटपुट आया। फिलहाल इसने हेलो वर्ड ये दिखा दिया आपको। अब देखिए ये हेलो वर्ड आपका आ रहा है, सिंपल आपको दिखाई दे रहा है। इसमें हम बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस यूज करते हैं, तो देखते हैं कि क्या चेंजेस आता है, दिखाता हूँ मैं आपको, बने रहिए बहुत अच्छे से देखिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। मैंने हेडिंग टैग यूज़ किया है बॉडी के अंदर, मैंने इसमें क्लास लिखा, क्लास इक्वल टू टेक्स्ट प्राइमरी, टेक्स्ट का कलर प्राइमरी कलर होगा, ये कलर क्या क्या ऑप्शन होते हैं ये बताऊंगा, एंड देन बीजी बैकग्राउंड कलर मैंने डार्क कर दिया और मैंने इसको सेव कर दिया। देखिए फिर मैं इसको रन करता हूँ, अब मैंने ब्राउज़र वो फायरफॉक्स कर दिया, तो इसका आउटपुट फायरफॉक्स में आपको रन होके दिखाई देगा। देखिए ये, तो देखिए आपके सामने ये हेडिंग टैग है, और ये देखिए ये सबसे बड़ी बात ये क्या है, रिस्पॉन्सिव है, डिवाइस के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। तो ये आपका अब बूटस्ट्रैप इसके साथ में ऐड हो चुका है। तो आप अपने इस वीडियो से क्या सीख लिया है, आपने इस वीडियो से सीख लिया है कैसे बूटस्ट्रैप को यूजिंग बूटस्ट्रैप सीडीएन की हेल्प से आप अपने वेब पेज के साथ ऐड कर सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से इसको रिकैप कर दे रहा हूँ कि कैसे बूटस्ट्रैप सीडीएन का आपको यूज़ करना है, स्टेप समझ लीजिए। पहला स्टेप आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या करना है अगर जो आप एप्लीकेशन देखेंगे, फर्स्ट स्टेप आपने क्या किया, सबसे पहले आपने एक मेटा टैग यूज़ किया है, इसको पेस्ट किया है आपको हेड सेक्शन में व्यू पोर्ट को जो है रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। दूसरा काम क्या किया है, आपने अपनी सीएसएस जो आपकी सीएसएस फाइल बूटस्ट्रैप की सीएसएस फाइल है उसको हेड सेक्शन में पेस्ट किया है। और ख़ास बात आपको एक चीज़ और याद करनी है, सपोज़ से आपने अपनी भी कोई सीएसएस फाइल बनाई, सपोज़ न्यू करके मैं अपनी सीएसएस फाइल बना रहा हूँ, कोई सीएसएस फाइल मैंने बनाई अपनी, कैस्केडिंग स्टाइल सीट सेलेक्ट किया यहाँ से मैंने, और ये इसका नाम मैंने माई स्टाइल नाम से सपोज मैंने बनाई, माई स्टाइल नाम से बनाई, देन मैंने इसको फिनिश कर दिया। तो इसको मेरे को अगर भी यूज़ करना है तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ध्यान से देखिएगा आप इसको, आप हमेशा इस जो आपने बूटस्ट्रैप की सीएसएस लिंक करी है उसके जस्ट बाद लिखेंगे, उससे पहले नहीं लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे आप, सो दैट ये वर्क करें, ठीक है। रिलेशन इक्वल टू स्टाइल सीट और HREF करके आप उसका HREF इक्वल टू ये आपका mystyle.css फाइल आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल हुआ है। क्लियर, इतना समझ में आ गया आपको। तो कहने का मतलब है जो आप अपनी CSS फाइल बना रहे हैं उसको हमेशा हेड सेक्शन में जो बूटस्ट्रैप की CSS फाइल है उसके बाद आपको रखना है। क्लियर,
ये बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं जब आप इसको यूज़ करेंगे, तो ये प्रॉब्लम आती हैं। अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में हमको लिख के भेजिएगा, तो हम आपको सोल्यूशन भी बताएंगे। दूसरा काम आपने, दूसरा काम ये हो गया। तीसरा काम क्या करा आपने, हेड सेक्शन के बाद बॉडी सेक्शन के एंड में, जहाँ पे बॉडी सेक्शन क्लोज हो रहा है वहाँ पे तीन फाइलें हैं। कौन कौन सी फाइलें हैं आपको, ये आपको फाइलें यहाँ पे बताई थी अभी, कौन कौन सी फाइलें थी। एक फाइल थी आपकी जे क्वेरी, दूसरी प्रॉपर जे एस एंड जावास्क्रिप्ट के प्लगइन के लिए तीन फाइलें आपने जस्ट बिफोर बॉडी टैग के क्लोज होने से आपने इसको यूज़ किया। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये पहला तरीका था जिसकी हेल्प से आप बूटस्ट्रैप को ऐड कर सकते हैं अपने वेब पेज के साथ में। अब हम दूसरा पार्ट डिस्कस करने चाह रहे हैं कि कैसे आप बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करके यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो बहुत भी इंटरेस्टिंग है, उसको भी आप देखिए पूरा का पूरा, मैं बताने जा रहा हूँ। आपने यहाँ पे क्या करना है, डाउनलोड पे आपने क्लिक किया, तो आपके पास में डाउनलोड, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो लेटेस्ट वर्जन आपके पास आ जाएगा। डाउनलोड किया आपने, ये डाउनलोड पे आपने क्लिक किया तो आपके पास में ये डाउनलोड ऑप्शन आ गया, आपने इसको सेव कर लिया, तो ये बूट स्ट्रैप आपके पास में डाउनलोड हो जाएगा। इसको मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ, मैंने यहाँ पे मेरे पास है बूट स्ट्रैप का, मैंने लेटेस्ट इसको किया हुआ है। तो इसको आप जब आप इसको करेंगे तो ये आपका क्या है, कंप्रेस फाइल फॉर्मेट में आएगा। क्लियर, कंप्रेस फाइल फॉर्मेट में आएगा, तो आपको इसको क्या करना का पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट ऑल करना पड़ेगा। क्लियर, ये दिखाता हूँ मैं अगर आपको, ये देखिए अभी तो डाउनलोड हो रहा है, तो ये ऑलरेडी करेगा, तो इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे आप। एक्सट्रैक्ट करने पर क्या होंगे, आपकी सारी की सारी फाइल्स आपको क्या है, पूरी की पूरी फाइल्स आपको मिल जाएंगी। क्लियर, ये आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, इसको रिप्लेस, क्योंकि पहले से था तो इसको रिप्लेस कर लिया। यहाँ पे आपके पास बूटस्ट्रैप की ये फाइल, इसके अंदर आपको दो फोल्डर दिखाई देंगे, एक तो है सीएसएस फोल्डर और दूसरा है आपको आपके पास में जावास्क्रिप्ट फोल्डर। तो पहले सीएसएस फोल्डर को देखते हैं, तो सीएसएस फोल्डर के अंदर हमको दो फाइल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको यूज़ करना है। बाकी फाइलों को हम हटा भी सकते हैं इसमें से, कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो इसमें से दो फाइलें हमें चाहिए होती हैं, बाकी फाइल हम इसमें से डिलीट कर लेते हैं, इनको हमें यूज़ करने की अभी ज़रूरत नहीं है, ये सब हम डिलीट कर लेते हैं यहाँ से। तो ये दो फाइल का भी मैं चक्कर आपको समझा देता हूँ कि क्यों बूट स्ट्रैप लिखा है, कॉर्ड क्यों बूट स्ट्रैप मेन लिखा है। देखिए बहुत सिंपल है, आप इसको अगर एडिट करके देखेंगे तो देखिए ये सीएसएस फाइल एक क्या है, ऑर्गेनाइज वे में लिखी हुई है कि कैसे सीएस में रूट, बॉडी का, इमेज का, हर एक का के बारे में कैसे इसकी स्टाइल सेट सेट करी हुई है। तो ये एक्सटर्नल सीएसएस है, तो सीएसएस क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, उसके लिए भी मैं अलग वीडियोस बना दूंगा तो आपके लिए बाद में। तो ये सीएसएस आपको ऑर्गेनाइज वे में दिखाई दे रही है। अब इसी को अगर हम मिनिमाइज फॉर्म में देखेंगे, अगर हम मिनिमाइज में देखेंगे तो आपको क्या होगा, ये सारा का सारा क्या है, अनऑर्गेनाइज वे में लिखा हुआ है, एक बहुत ही कंप्रेस वे में लिखा हुआ है, ठीक है, जिससे कम स्पेस में ये आ जाए। तो ये स्पेस कम ले रहा है और ये स्पेस थोड़ा ज़्यादा ले रहा है, यही इसका फर्क है। दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, मोस्टली इस मिनिमम वर्जन को यूज़ किया जाता है। क्लियर, दो चीज़ें आपने कर ली, क्या पहला काम क्या करा है इसमें, सी एस एस फाइल में केवल दो फाइल हैं, बूट स्ट्रैप डॉट सी एस एस और बूट स्ट्रैप डॉट मिन डॉट सी एस एस फाइल, दोनों में दोनों को ऐड कर लिया। इसके बाद जैसे ही आप जावास्क्रिप्ट में जाएंगे तो जावास्क्रिप्ट में भी बहुत सारी फाइलें होंगी, हमको दो फाइलों की जरूरत है, एक तो बूट स्ट्रैप और बूट स्ट्रैप डॉट मिन डॉट जे एस फाइल की। बाकी फाइलों को हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं है। ये जेक्वेरी और प्रॉपर जेएस की जरूरत हमें पड़ेगी, तो इनको दोनों को हम रख लेंगे, बाकी इन दोनों इनको हटा देते हैं। ये हटा लिया हमने, ये भी हटा दिया। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कौन कौन सी फाइल की जरूरत पड़ेगी, इसको नहीं, ये चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं आपको चाहिए, इसको भी डिलीट कर दीजिए, ये बूट स्ट्रैप चाहिए, ये नहीं चाहिए, आपने इसको हटा दिया और इनको डिलीट कर दिया। तो आपके पास में बूट स्ट्रैप और बूट स्ट्रैप डॉट मिन, दोनों का मतलब एक ही है आपका, ये आपका ऑर्गेनाइज वे में दिखेगा आपको, ठीक है। और वो अगर आप दूसरा देखेंगे मिनिमम वर्जन, वो आपको क्या है, अनऑर्गेनाइज वे में मिलेगा। इसको देखेंगे आप रन करके, तो ये देखिए ये ऑर्गेनाइज वे में बूट स्ट्रैप के अंदर जावास्क्रिप्ट की फाइल फंक्शन बनाए हुए हैं अलग अलग, तो ये ऑर्गेनाइज वे में मिलेगा आपको। और सी का दूसरा आप मिनिमाइज वर्जन देखेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा
कंप्रेस फॉर्मेट में लिखेगा, जो कम स्पेस में आ रहा है बट समझ में आप कुछ आपको आएगा नहीं। तो दोनों कर लिया, बाकी ये jQuery फाइल है और फोर्थ प्रॉपर डॉट js, ये दोनों फाइल भी हमको चाहिए होंगे। क्लियर? तो अब इन दो फोल्डर को आपको css फोल्डर और जावास्क्रिप्ट फोल्डर, इन दोनों फोल्डर को आपने क्या करना है, अपने वेब प्रोजेक्ट में ऐड कर लेना है। क्लियर? इसको यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपका वेब प्रोजेक्ट में आप जाना है आपको, जैसे मैंने डी ड्राइव में, मुझे पता है डी ड्राइव के अंदर मैंने मौलिक नाम से बनाया है, तो मौलिक नाम पे मैं गया प्रोजेक्ट, और इसके अंदर कहाँ पे मेरे को पेस्ट करना है, वेब फोल्डर के अंदर क्या करना है, वेब फोल्डर के अंदर यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, कौन कौन से, css और js का। क्लियर? तो css के अंदर मेरे पास दो फाइलें हैं, कौन कौन सी फाइलें हैं, एक bootstrap और दूसरा bootstrap.min.css फाइल, और js फोल्डर के अंदर क्या है, bootstrap.min.js, jquery.js और proper.js, ये फाइलें मेरे पास में। क्लियर? अब इनको मैंने अपने वेब प्रोजेक्ट में ऐड कर लिया है। अब देखते हैं, यहाँ पे मैं वेब प्रोजेक्ट में आ गया, यहाँ पे देखिए मेरे पास css फोल्डर और js फोल्डर आ चुका है। अब इसको मेरे को क्या करना है, वही जो मैंने लिंक कॉपी किया था वहाँ पे मैंने तो ये क्या है, आपका वेबसाइट का लिंक दिया था, तो इसको हटा के मेरे को क्या करना है, केवल ये यहाँ से क्या करना है, ये इस पूरे को डिलीट कर देना है यहाँ से। तो क्या है, css फोल्डर के अंदर, css फोल्डर क्या है, ये रूट के अंदर css फोल्डर के अंदर कौन सा है, bootstrap.min.css फाइल को मैंने यहाँ पे लिख दिया, बस इतना ही करना है, लोकल फोल्डर के अंदर आ जाएगा। क्लियर? वेबसाइट लिंक्स की जगह पे लोकल फोल्डर का पाथ आ गया। क्लियर? ये चीज कर लिया। दूसरा काम क्या करा, वहीं पे जो jQuery मैंने लिखी थी यहाँ पे, jQuery यहाँ पे jQuery वाली फाइल है, इसको भी मैं कैसे करूंगा, यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया, पूरा लिंक, वेब लिंक को डिलीट कर दिया, यहाँ पे आप मैं आ गया js फोल्डर के अंदर, js फोल्डर के अंदर कौन सा था, js फोल्डर के अंदर कौन कौन सी फाइल थी, पहली फाइल कौन सी है मेरी, jquery.js, इसको मैंने ऐड कर लिया, jquery.js फाइल इसको ऐड कर लिया, फर्स्ट फाइल। ऐसी दूसरी फाइल मेरी क्या है, proper.js वाली फाइल है, उसको भी मैं यहाँ से लिंक को js फोल्डर के अंदर प्रॉपर डॉट js फाइल को लिंक कर लिया, और थर्ड फाइल मेरी bootstrap.min.js जो फाइल है, इसको भी, ये भी js फोल्डर के अंदर है, इसको भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये बस मैंने लोकल मशीन के हिसाब से इसको डाउनलोड कर लिया। क्लियर? तो ये मैंने सेव कर दिया इसको, तो मेरी लोकल फोल्डर css बन चुका है, लोकल फोल्डर js फोल्डर को मैंने अपने वेब, जो बूटस्ट्रैप के फोल्डर थे उनको अपने वेब प्रोजेक्ट से मैंने क्या कर दिया, लिंक कर दिया है। क्लियर? अब मैं फिर से इसको रन करके दिखाता हूँ आपको, फिर से मैं इसको रन करता हूँ, ये पेज को मैं अभी बंद कर देता हूँ, फिर से मैं इसको एक्सक्लूड करता हूँ, तो देखिए सेम आउटपुट प्रोड्यूस करता है या नहीं करता है, ये देखते हैं। मैंने इसको फिर से रन किया, तो ये आप देखिए यहाँ पे तो वो सेम ही आउटपुट आपको प्रोड्यूस हो रहा है। तो आप चाहें तो बूटस्ट्रैप सीडीएन का यूज कर लें, चाहे आप डाउनलोड करके इसको यूज करें, ये आप पे डिपेंड करता है। क्लियर? तो आप दोनों तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके पास में एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का, वेब पेज का एक लुक आ गया है, जेएसपी पेज जो हमने बूटस्ट्रैप को इसमें ऐड किया है। तो यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम जो डिस्कस करेंगे कि कैसे हम बूटस्ट्रैप के अंदर, नेक्स्ट सेक्शन में जब हम देखेंगे इसमें, तो हमने अभी ये कैसे इसको इंट्रोडक्शन और डाउनलोड कैसे करते हैं वो चीज़ समझ ली। नेक्स्ट में हम पहले इसका लेआउट कैसे बनाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि कैसे हम बूटस्ट्रैप की हेल्प से लेआउट बनाएंगे। देखिए यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में हमने डिस्कस किया है, अभी तक जितना डिस्कस किया है कि कैसे बूटस्ट्रैप क्या होता है, कैसे इसको डाउनलोड करके दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, वो हमने इसको डिस्कस कर लिया था। अब हम आते हैं लेआउट पे, लेआउट कैसे बना सकते हैं हम। तो देखिए मैं बताने जा रहा हूँ लेआउट क्या होता है। लेआउट का मतलब है, देखिए जैसे ये वेबसाइट आपको दिख रही है, ये वेबसाइट भी हम बनाएंगे इसमें आगे पूरा स्टेप बाय स्टेप तरीके से। तो ये इसका जो एक लेआउट दिख रहा है, इसमें ये बाहर का जो एरिया दिख रहा है, कंटेनर एरिया जो इसके अंदर आपके सारे की सारी वेबसाइट बनी हुई है, तो ये लेआउट कैसे हम बना सकते हैं, मेन चीज़ है लेआउट कैसे बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे लेआउट को दो तरीके से बूटस्ट्रैप पे बना सकते हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्लियर? तो हम एक नया पेज बनाते हैं इसी में, इसी जो हमने मौलिक नाम से वेबसाइट बनाई है, इसमें एक नया पेज बनाते हैं, वेब पेज फोल्डर के अंदर एक नया पेज बनाते हैं, नया जेएसपी पेज बनाते हैं। इसका नाम सपोज मैं लिख देता हूँ, हेडर नाम से बनाता हूँ, सबको मेरे को
हेडर नाम से मैंने बना दिया हेडर डॉट जेएसपी फाइल, क्लियर। इसमें भी मेरे को वही करना है, सारा का सारा का चीज क्या करनी है, सबसे पहले मेरे को वही काम करना है कि आपको पहला काम क्या करना है, आपको फर्स्ट चीज आपको क्या ऐड करनी है। यहां से आप देखेंगे, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में जाएंगे तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, ये यहां से मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये स्टार्टर टेम्पलेट है। स्टार्टर टेम्पलेट हर एक टेम्पलेट पेज ऐसे ही रहेगा। तो पहला काम हमने क्या किया था, ये वाला कोड कॉपी करना है, कॉपी कर लिया, इसको कॉपी कर लिया मैंने यहाँ पे, और ये पोर्ट वाला पार्ट आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट इसके बाद मेरे को सीएसएस फाइल ऐड करनी है, सीएसएस फाइल का कोड ये है, तो इसको बूटस्ट्रैप की सीएसएस फाइल है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इस पूरे को। कंट्रोल सीडीएन वर्जन से मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने सीडीएन तरीके से यूज़ कर लिया, चाहूँ तो मैं उसको भी डाउनलोड वाला भी तरीका यूज़ कर सकता था। तो दूसरा मैंने यहाँ पे हेड सेक्शन में ये कर दिया, क्लियर। इसके साथ बा साथ मैं इसके जस्ट बाद अपनी अपनी सीएसएस फाइल भी इसमें फिर से ऐड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे मैंने लिंक्स लिखा, लिंक रिलेशन इक्वल टू स्टाइल सीट और एच आर एफ इक्वल टू मेरी जो वेबसाइट स्टाइल सीट थी इसका नाम माई स्टाइल डॉट सी एस एस, ये फाइल मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर ली, क्लियर। ये हो गया, दो चीज़ें मैंने ऐड कर चुका हूँ, मैंने बूटस्ट्रैप की सी एस एस फाइल ऐड कर ली, और दो तीन फाइलें मेरे को और ऐड करनी है, क्या कौन कौन सी, ये वाली फाइल है जेक्वेरी ऑप्शनल जावास्क्रिप्ट जेक्वेरी, और ये फाइलें मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इनको तीनों को, कंट्रोल सी किया, और इसको अपने प्रोजेक्ट में जस्ट बिफोर बॉडी बॉडी टैग जहाँ पे क्लोज हो रहा है यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, क्लियर। तो ये मैंने काम कर चुका हूँ, अब मैं अपने पेज का सबसे पहले लेआउट बनाने जा रहा हूँ। लेआउट कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छे से देखिए, आपको समझ में पूरा आएगा, मैं दिखाता हूँ आपको पूरा ढंग से कैसे करना है आपको। यहाँ पे क्या करा मैंने, सबसे पहले डिव बनाया, एक डिव उसकी क्लास इक्वल टू लिख दिया मैंने कंटेनर, कंटेनर, ठीक है। देखिए याद रखना है आपको कि आप अगर आप यहाँ पे भी जाएंगे वेबसाइट में, अगर इसमें देखेंगे तो डॉक्यूमेंटेशन में लेआउट में जाएंगे तो आप लेआउट दो तरह से बना सकते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, या तो आप कंटेनर क्लास का यूज करेंगे या कंटेनर फ्लूड का यूज करेंगे, कंटेनर या कंटेनर फ्लूड का यूज करेंगे। दोनों में क्या डिफरेंस है मैं समझाने जा रहा हूँ, प्रैक्टिकली समझिए, थ्योरेटिकल से बात नहीं आएगी, प्रैक्टिकली आपको समझना पड़ेगा। तो मैं सपोज मैंने कंटेनर लिखा यहाँ पे, क्लियर, यहाँ पे डिव क्लास कंटेनर मैंने ले लिया, यहाँ पे इस डिव को बना लिया मैंने, ये डिव बन चुका है। अब डिव कंटेनर बनाने से अगर मैं इसको रन करूँ, रन करता हूँ, मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, तो इसको मैं रन करता हूँ यहाँ पे, मैं रन करके इसका आउटपुट देखता हूँ तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा स्क्रीन में, काली एक आउटपुट विंडो आ जाएगी, ये हेडर डॉट जेएसपी पेज आ गया, कुछ दिखाई नहीं दिया आपको। अब मैं इसमें दिखाता हूँ कि कंटेनर कैसे बना हुआ क्या है, मैं इसमें इसमें एक इसके ये तो मेरा डिव टैग था, इसके अंदर मैं एक हेडिंग बनाता हूँ एच वन, एच वन लिख देता हूँ मैं, एच वन के अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पे एच वन में माई होम कंटेनर, क्लियर। और मैंने ये कंटेनर जो बनाया क्लास, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसका बीजी कलर करता हूँ, बीजी अभी बताया था आपको बीजी, इसको मैं बीजी इसको डेंजर कलर दे देता हूँ, बीजी डेंजर कलर दे दिया मैंने, आपको कलर के बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा। और इसको मैं फिर से सेव कर देता हूँ, सेव करने के बाद मैं फिर से इसको जो पेज है इसको फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ। तो जब मैंने इसको एग्जीक्यूट करा तो देखिए आपके पास में ये जो ये एरिया दिख रहा है ये क्या है, कंटेनर है। तो क्या है, कंटेनर दो तरह से लेआउट बना सकते हैं, एक कंटेनर बनाएंगे, कंटेनर बनाने का मतलब फुली रिस्पॉन्सिबल फिक्स्ड एक एरिया आपके पास एलोकेटेड हो जाएगा, ये रिस्पॉन्सिव है, क्लियर। देखिए रिस्पॉन्सिव है, डिवाइस के अकॉर्डिंग इसने अपने आप को कॉन्फिगर कर लिया, क्लियर आ गया। दूसरा तरीका, ये तो आपने कंटेनर का यूज किया, अब कंटेनर की जगह पर सपोज मैं क्या करता हूँ, कंटेनर फ्लूड यूज करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने कंटेनर फ्लूड, कंटेनर
फ्लूट कर दिया, क्लियर, कंटेनर फ्लूट कर दिया और इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद फिर से मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, रन करता हूँ मैं, फिर से मैंने रन किया। तो अब मैंने देखिए, आप जैसे मैंने देखा इसको रन किया तो क्या है, ये आपका ये एक पूरी पूरा एरिया को कैप्चर इसने कर लिया, पूरा का पूरा क्या है जो आपका पोर्ट था वो पूरे पूरे एरिया में क्या है ये कंटेनर आ चुका है। तो ये क्या है फुल विड्थ का आपका कंटेनर हो गया, वो जो आज से पहले जो कंटेनर बनाया था सिंपल कंटेनर वो बनाया था वो रिस्पॉन्सिबल फिक्स लेंथ का था, ये फुल लेंथ का आ गया, फुल विड्थ का आपका कंटेनर आ चुका है, क्लियर। तो दोनों में यही डिफरेंस है। तो मोस्टली जो है जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं जो यूज़ करते हैं कंटेनर का यूज़ करते हैं, कंटेनर का हम मोस्टली यूज़ करते हैं, तो हम आगे भी कंटेनर का ही यूज़ करेंगे। तो आपसे आप भी लोग आप भी इसमें कंटेनर का ही यूज़ करें सो दैट आपको ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक दिखेगा और ये ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्लियर। तो कंटेनर समझ में आ गया, दो तरह से लेआउट बना सकते हैं, कंटेनर बना सकते हैं या कंटेनर फ्लूट करके हम इसका लेआउट बना सकते हैं, क्लियर। ये इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि सपोज मैं कंटेनर इसकी हाइट को चेंज करना, इसकी हाइट बढ़ाना चाहता हूँ। अब देखिए मैंने अपनी सपोज एक अपनी सी एस एस फाइल बनाई, यहाँ पे एक सी एस एस फाइल माई स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल बनाई है और मैं सपोज हेडिंग इसका इसके अंदर इसकी डिव टैग की आई डी इक्वल टू डी वन दे देता हूँ, क्लियर। आई डी मैंने डी वन दे दी और मैंने जो स्टाइल अपनी माई स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल बनाई थी तो आई डी दी है, तो मैं इसका इसके अंदर इसकी कोडिंग करता हूँ। ये फाइल है, इसके अंदर मैंने लिख दिया हैज डी वन और इसकी मैंने हाइट दे दी सपोज 800 पिक्सल, क्लियर। और मैं इसको फिर से रन करता हूं, रन किया मैंने इसको, तो देखिए आपके पास में क्या है जो इसकी ये आपका इसकी हाइट सेट हो चुकी है, क्लियर। तो देखिए आपको यहां से आपने सीख लिया कि आप कैसे लेआउट बना सकते हैं। पहला तरीका आप इसका लेआउट कैसे बना सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि लेआउट मेन चीज है। उस लेआउट के अंदर आपने बना दिया, अब उसके अंदर आपको क्या करना है अलग अलग सेक्शन में चीजों को फिट करना है, क्लियर। वो हम देखेंगे, जैसे ये वेबसाइट बनी हुई है, वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है, ये वेबसाइट एक लेआउट में बनी हुई है, कंटेनर लेआउट था और इसका सबसे टॉप में जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये हेडर सेक्शन है। तो हेडर सेक्शन कैसे बनेगा, फिर उसके बाद ये मेन्यू कैसे बनेगा, ये अलग पार्ट है। ऐसी ये कंटेंट सेक्शन में यहाँ पे इमेज स्लाइडर कैसे आ रहा है, वो चीज आप डिस्कस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इसका फूटर जो एरिया आ रहा है, फूटर कैसे आ रहा है, ये भी हम यहाँ पे इसमें डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो आपको ये समझ में आ गया कि इसका वेबसाइट का लेआउट हम कैसे बना सकते हैं, क्लियर हो गया। तो आइए हम हेडर बना के देखते हैं कैसे हेडर बनेगा, जो ये हेडर बना हुआ दिख रहा है आपको, तो ये हेडर कैसे बनेगा हम इसको कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है आपको, अपने प्रोजेक्ट में आ जाना है फिर से। ये प्रोजेक्ट में आप आ गए, यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे हमने ये लिखा था। अब इसके अंदर मेरे को क्या करना है, ग्रिड लेआउट, इसके अंदर क्या है ग्रिड लेआउट को कैसे हम यूज करेंगे ये भी आगे इस वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे। ये ग्रिड आपको यहाँ पे दिख रहा है लेआउट के बाद, ग्रिड ग्रिड क्या होता है, ग्रिड सिस्टम क्या है कि हम अपने जो लेआउट को है उसको रोज और कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं, क्लियर। कैसे करेंगे ग्रिड सिस्टम में, वो भी बहुत आसान है, मैं बताने जा रहा हूँ, तो देखिए ध्यान से फिर से समझिए आप। तो मैंने सपोज इस कंटेनर के अंदर अपनी जो वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ उसमें पहली रो में मेरे को क्या है, जो वेबसाइट आपको दिख रही है यहाँ पे, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में मेरे तीन कॉलम है, एक कॉलम में मेरा लोगो आया है, दूसरे कॉलम में मेरा वेबसाइट की इंफॉर्मेशन है और तीसरी कॉलम में जो है ये सर्च बार आपको दिखाई दे रहा है, क्लियर। तो ये मैंने फर्स्ट रो को तीन पार्ट में डिवाइड किया, तो कैसे डिवाइड करेंगे समझिए, मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो आपके लिए यहाँ पे क्या करना है, फिर से डिव लिखना है, डिव और क्लास इक्वल टू आप देखेंगे यहाँ पे रो, इस बार क्या आ गया यहाँ पे रो लिख दिया आपने, अब रो बन चुकी है। रो के अंदर पहला कॉलम बनाने जा रहा हूं, फिर मैं डिव लिखा मैंने, फिर क्लास इक्वल टू
कॉलम। अब कॉलम देखिए, एक रो में मैक्सिमम 12 कॉलम बूटस्ट्रैप के थ्रू आप बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं सपोज मैंने कहा मैं जो फर्स्ट कॉलम बना रहा हूँ वो चार कॉलम को मिला के बनाना चाह रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया कॉलम हाइफन फोर, तो ये चार कॉलम को मिला के एक मेरा कॉलम बनेगा। चाहे तो मैं तीन कॉलम को बनाना चाहूँ, तीन कॉलम को मिला के बना सकता हूँ, मैंने तीन कॉलम को मिला के ये कॉलम बना दिया, क्लियर हो गया। अब इस कॉलम में मेरे को क्या करना है, इस कॉलम में मेरे को क्या करनी है, एक इमेज लगानी है, क्लियर, क्या करनी है, एक इमेज लगानी है। तो मैं क्या करता हूँ, अपना जो प्रोजेक्ट का है, मेरा ये प्रोजेक्ट है, इसमें मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ अपना, इसको मैं एक प्रोजेक्ट फोल्डर बना लेता हूँ, इसमें यहाँ से मैं इस मौलिक प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे वेब के अंदर एक बना लेता हूँ, यहाँ पे न्यू फोल्डर बना लेता हूँ इमेजेस के लिए, इमेजेस नाम से, क्लियर। और इस इमेज इमेजेस फोल्डर के अंदर मैं डेस्कटॉप से अभी एक लोगों की इमेज यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मौलिक नाम की जो है इमेज को, सपोज मैंने यहाँ से मौलिक नाम की इमेज है, इसको मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, मैं इसको मैंने यहाँ से उठाया और ये अपने वेब प्रोजेक्ट के इमेजेस फोल्डर के अंदर मैंने ये, या ऐसे कर सकते हैं यहाँ से कॉपी कर लें हम, अगर यहाँ से नहीं हो रहा तो यहाँ से कॉपी करके आप इसको, कॉपी करके आप जैसे हमने CSS और JS फाइल को ऐड किया था, डी ड्राइव में गए आप, यहाँ पे डी ड्राइव के अंदर आपका मौलिक, मौलिक के अंदर आपने वेब फोल्डर के अंदर इमेजेस के अंदर यहाँ पे मैंने इसको, इस इमेज को मौलिक डॉट JPG फाइल है, सपोज इस फाइल को करना चाहें, या मैं दूसरी फाइल लोगो, सॉरी जो लोगो फाइल है इसको मैं करता हूँ कॉपी, इसको कॉपी किया मैंने, कॉपी करने के बाद फिर से डी ड्राइव के अंदर जो मेरा मौलिक है इसके अंदर मैंने वेब के अंदर जो इमेजेस फोल्डर बनाया है इसके अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। देखिए लोगो नाम की फाइल, ये लोगो मेरे को लगाना है, यही लोगो मैंने वहाँ पे लगाया है, क्लियर। तो इसको मैं, इसकी प्रॉपर्टीज देख लेता हूँ, कौन सी फाइल है, डॉट JPG फाइल है, क्लियर। तो अब मैं इसको ऐड करता हूँ अपने वेब प्रोजेक्ट में, तो मैंने यहाँ पे इस डिव के अंदर पहले कॉलम में मैंने IMG टैग लगाया, IMG SRC इक्वल टू इमेज, कौन से फोल्डर में, इमेजेस फोल्डर के अंदर है, इमेजेस फोल्डर के अंदर कौन सी है, लोगो डॉट JPG, क्लियर। ये मैंने इसको लगा दिया, क्लियर। तो इसको मैंने सेव कर दिया, सेव करने के बाद मैं इसको रन करता हूँ फिर से, इसको रन करके देखता हूँ हेडर, तो देखिए ये पूरी की पूरी इमेज बहुत काफ़ी बड़ी सी आ गई है, क्लियर। इमेज आई तो सही लेकिन इमेज क्या है, फुल विड्थ की आ गई है, तो इसकी इमेज की हाइट और विड्थ को मेरे को क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा, क्लियर। तो मैं सपोज क्या करता हूँ, इसके लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे इस डिव फोल्डर की इमेज बनाई है, यहाँ पे इस इमेज की ID इक्वल टू आई दे दिया, क्लियर। और मैंने CSS फाइल में गया, यहाँ पे ये CSS फाइल दिखाई दे रही है आपको, इस CSS फाइल के अंदर मैंने एस आई इसकी हाइट मैंने दे दी 60 पिक्सल और विड्थ दे दी मैंने 40 पिक्सल, और इसको मैंने सेव कर दिया। देन फिर से मैं इसको रन करके देखता हूँ, तो देखिए आपकी ये इमेज आ चुकी है, बहुत छोटी आ रही है, तो इसकी इसको हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं यहाँ से, फिर से मैंने इसकी हाइट को थोड़ा, विड्थ थोड़ी बढ़ा देते हैं, 100 पिक्सल कर लेते हैं, और हाइट को भी सपोज 100 ही कर लेते हैं, क्लियर। तो इसको फिर से रन करके देखते हैं हम, तो देखिए आपका आ चुका है। अब देखिए जो ये आ रहा है, ये राउंड हमें चाहिए, सर्कुलर फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है, जो आ रहा है ये स्क्वायर फॉर्मेट में आपका आ रहा है, क्लियर। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, तो ये भी बहुत सिंपल है, आपने यहाँ पे जो इमेज बनाई है इसमें एक क्लास ऐड कर दीजिए, बनी बनाई बूटस्ट्रैप की क्लास,
इक्वल टू राउंडेड सर्कल बनी बनाई है इस क्लास, इसको कर लीजिए और इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद फिर से रन करेंगे यहाँ पे आप, तो देखिए ये आपका क्या है, बिल्कुल राउंडेड वे में आपको यहाँ पे आपके पास में ये लोगो बन के आ चुका है। तो हमारे वेबसाइट का पहला पार्ट हमने बना लिया है, क्लियर। अब हम दूसरा चीज़ ऐड करते हैं, इसमें क्या ऐड करना है हमको, अपनी कंपनी का इन्फॉर्मेशन, तो हम इसको भी ऐड कर लेते हैं दूसरा ऐसे ही। अब देखिए ये पहला कॉलम बन चुका है, पहले कॉलम की पहली रो का पहला कॉलम बन चुका है। अब हम दूसरा कॉलम बनाते हैं, डिव टैग बनाया, डिव क्लास इक्वल टू क्या लिखना है आपको यहाँ पे, कॉलम। अब इस कॉलम को मैं सपोज पांच कॉलम को मिला के बनाता हूँ, क्लियर। ये पांच कॉलम को मिला के, मैंने पांच कॉलम को मिला के इसको बना दिया, क्लियर। और इसके अंदर मेरे को क्या है, कंपनी का इंफॉर्मेशन लिखना है। सपोज मैंने H1 या H3 टैग ले लेते हैं, H3 के अंदर मैंने लिख दिया मौलिक क्रिएटिव्स, क्लियर। ये लिख दिया मैंने H3 के अंदर। और इसकी अगर सपोज मैं क्लास इक्वल टू मैंने दे दिया टेक्स्ट प्राइमरी और BG लाइट, और इसको मैंने सेव कर दिया, देन मैंने इसको रन करके देखता हूँ। तो देखिए मेरा ये मौलिक क्रिएटिव्स करके यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्लियर। ये आपका मौलिक क्रिएटिव्स आ रहा है, ये चेक करते हैं इसको। ये डिव हमने क्लोज किया, पहला कॉलम, सॉरी पहला कॉलम हमारा क्लोज नहीं हुआ है यहाँ पे। इस कॉलम को पहले हम क्लोज करेंगे, अदरवाइज वो दूसरी रो में चले जाएगा। इस कॉलम को मैंने क्लोज कर दिया, अब मैं इसको फिर से सेव करता हूँ दूसरा कॉलम। तो देखिए ये मेरा कंपनी का नाम जो भी है वो आ चुका है। इसको अट्रैक्टिव कैसे बना जाएगा, देखिए थोड़ा और अट्रैक्टिवनेस इसके अंदर ऐड करनी है, अपनी चीज़ें ऐड करनी है। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, अपनी CSS का आप यूज़ कर सकते हो। तो आपने ये चीज़ कर लिया, यहाँ से इसकी आप चाहे तो हाइट सेट कर सकते हैं, बॉडी सेट कर सकते हैं, वो भी आप काम कर सकते हैं। देखिए जैसे कि सपोज़ मैं आपको दिखाता हूँ, हमने इस प्रोजेक्ट में जैसे यूज़ की हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी कैसे आपको इसको और अट्रैक्टिव आप बना सकते हैं। अभी जस्ट दिखाते हैं आपको, आपने इस हेडिंग टैग को के लिए सपोज यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल सी करता हूँ और मैं इसको आपको समझाता हूँ। हमारी जो mystyle.css फाइल है, ये फाइल है, क्लियर, ये बनाई है हमने। और ये मैं हेडिंग के लिए बना रहा हूँ, कंट्रोल वी किया मैंने, तो इसको मैं समझाता हूँ आपको कैसे यूज़ होगी। फिलहाल आपको दिखाते हैं, आपने जो header.jsp पेज बन रहा है आपका, उसमें हमने हेडिंग इसकी आईडी लेते हैं, आईडी इक्वल टू मैंने आईडी इक्वल टू एच ले लिया, क्लियर। मैंने इसको सेव कर दिया, फिर से मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो देखिए थोड़ा बड़ा अट्रैक्टिव लुक आपका सामने आ चुका है, ये मौलिक क्रिएटिव्स करके आपके पास में आ चुका है लिखा हुआ, जो भी दिख रहा है आपको, ठीक है। आप चाहें तो ये जो हमने यहाँ पे इसके अंदर टेक्स्ट प्राइमरी बीजी लाइट, इसको हटा के हम हटा भी सकते हैं इसको सिंपली, क्योंकि हमने इसकी सारी की सारी सेटिंग ऑलरेडी CSS फाइल में कर दी है, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो ये देखिए ये आपके पास में लुक आ चुका है मौलिक क्रिएटिव्स करके, थोड़ा अट्रैक्टिव लुक आ रहा है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमने इसमें क्या लिखा है। देखिए हेडिंग टैग के लिए कलर इसका वाइट, कलर वाइट आ रहा है आपका, वाइट कलर का आपका कंटेंट आ रहा है। इसके बाद हाइट मैंने इसकी 150 पिक्सल सेट कर दी है। फॉन्ट फैमिली कर्सिव, कर्सिव का टाइप स्टाइल सेट कर दी है। मार्जिन टॉप, टॉप से देखिए 5 पिक्सल का, अगर आप देखें टॉप से थोड़ा स्पेस में आए, टॉप से थोड़ा 5 पिक्सल का छोटा सा मार्जिन आ रहा है यहाँ पे।
उसके बाद पोजीशन इसकी रिलेटिव के के रही है, पोजीशन को हम डिस्कस करेंगे, पोजीशन कैसे सेट करते हैं, रिलेटिव, फिक्स्ड, स्टैटिक या एब्सोल्यूट कैसे सेट करते हैं। लाइन हाइट इक्वल टू मैंने दी हुई है, यहाँ लाइन हाइट कितनी है इसकी, 70 पिक्सल दी हुई है कि आपको टेक्स्ट की जो पोजीशन है वो कहाँ पे लानी है, ठीक है, लाइन पे किस लाइन पे कहाँ से करना है। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल दिए, जिससे थोड़ा क्या है राउंडेड आपका बॉर्डर आ रहा है, देखिए बॉर्डर आपको राउंडेड टाइप से दिखाई देगा, क्लियर, ये भी समझ में आ गया आपको। देन बॉर्डर रेडियस आ गया। बैकग्राउंड इमेज में इसमें एक प्रॉपर्टी लगाई है, लीनियर ग्रेडियंट, लीनियर ग्रेडियंट प्रॉपर्टी करी है, तो ये ग्रेडियंट प्रॉपर्टी होती है, तो अगर आप अपने बैकग्राउंड को दो या दो तीन एक से ज़्यादा कलर से बनाना चाहते हैं बैकग्राउंड को, तो लीनियर ग्रेडियंट का यूज़ कर सकते हैं। ये CSS टॉपिक के अंदर हम बाद में डिस्कस भी कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। टेक्स्ट को मैंने शैडो देनी है, तो टेक्स्ट को शैडो देने के लिए मैंने यहाँ पे ये यूज़ किया हुआ है। तो देखिए यहाँ से मेरे पास में क्या है, दूसरा पार्ट बन चुका है, क्या बन चुका है मेरा, ये मौलिक क्रिएटिव्स वाला पार्ट आ चुका है। अब थर्ड पार्ट में मैंने क्या करना है, थर्ड पार्ट में मैंने क्या करना है, इसी वेबसाइट जो मैंने हमने वेबसाइट बनाई थी, वेबसाइट जो बनी हुई है हमारा, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट का थर्ड पार्ट ये देखिए जो दिखाई दे रहा है, सर्च नैव बार, तो इसको कैसे ऐड करना है, इसको ऐड करना बहुत आसान काम है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल तरीका है। आप बूटस्ट्रैप में जाएंगे, कंपोनेंट में जाएंगे, यहाँ पे कंपोनेंट में बहुत सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं आपके पास, जैसे जैसे कंपोनेंट को आप यूज़ करना चाहें अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे नैव बार को यूज़ किया हुआ है, तो आपने देखेंगे ये नैव बार आपको इस टाइप का मिल जाएगा, यहाँ पे कोडेड अगर मैं देखूँ तो सर्च नैव बार, अगर आप सर्च करेंगे यहाँ पे सर्च नैव बार आपको मिल जाएगा, देखिए ये सर्च नैव बार दिख रहा है आपको। आपको कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी करना है कोड को, जस्ट कॉपी किया कोड, और इसको आपने डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट में क्या करना है, थर्ड कॉलम में ऐड कर लेना है, थर्ड वाले कॉलम में इसको आप ऐड कर लेंगे। दिखाता हूँ मैं आपको कैसे करना है आपको, ये आपने दूसरा कॉलम बंद किया, अब आप थर्ड कॉलम में आ गए, दूसरा कॉलम बन चुका है, अब थर्ड कॉलम आप बनाने जा रहे हैं, डीआईवी डिव क्लास इक्वल टू कॉलम, देखिए पहला कॉलम हमने किससे बनाया था, तीन कॉलम ला के बनाया था, दूसरा पांच, पांच तीन आठ, आप हमारे पास कितने हैं, चार कॉलम बचे हैं, चार कॉलम में हम फोर कॉलम के अंदर हमने थर्ड वाला कॉलम बनाना है, चार कॉलम को मिला के मेरा चौथा कॉलम बनेगा, इसके अंदर मैंने उस कोड को पेस्ट कर दिया, क्लियर, तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया कोड को, नैव बार मेरा आ चुका होगा, और मैं इसको रन करता हूँ फिर से पेज को, तो ये मैंने रन किया, तो देखिए यहाँ पे मेरा नैव बार भी आ चुका है। तो देखिए यहाँ से मेरा क्या है, इस वेबसाइट का क्या है, हेडर बन के तैयार हो चुका है। ऐसे ही हम क्या है, बूटस्ट्रैप के बने बनाए कोड को यूज़ करके सर्च, ये देखिए बहुत अट्रैक्टिव आपका नैव बार आ चुका है, हेडर हमारा पूरा तैयार हो चुका है यहाँ पे। तो हमने ये वीडियोस में ये सीख लिया कि कैसे हम बूटस्ट्रैप क्या होता है, कैसे इसको डाउनलोड करेंगे, कैसे हम उसको दोनों तरीके से CDN तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम उसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसका लेआउट सेट कर सकते हैं, और लेआउट सेट करने के बाद अलग अलग टाइप के जो लेआउट है हमने वो भी डिस्कस कर लिया, और इसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया कि हम उसके अंदर कंपोनेंट को कैसे कैसे यूज़ करेंगे, स्टेप बाय स्टेप तरीके से मैं आपको बताते रहूँगा। अभी हमने हेडर बनाया है, ऐसे ही हम मेन्यू बनाएंगे, और कंपोनेंट जो जो कंपोनेंट आते रहेंगे मैं वन बाय वन उन कंपोनेंट को जैसे जैसे आते रहेंगे, बहुत सारे कंपोनेंट इसमें अवेलेबल हैं, तो मैं आपको बताते रहूँगा कैसे किस कंपोनेंट को आपको यूज़ करना है, सो दैट आपको ये सारे के सारे वीडियोज़ पूरे पूरे पसंद आएँ और समझ में भी आए हैं, ठीक है। मेन हमारा मेन पर्पज़ है कि आप इसकी हेल्प से खुद की अपनी वेबसाइट का फ्रंट एंड तैयार कर पाएँ। तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, और अगर आपको इस वीडियो के में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर लिखिएगा, सो दैट फिर हम आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका सोल्यूशन आपको दे पाएँ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे की चीज़ों को, तो तब तक आप इस वीडियो को देखिए, थैंक यू।